This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching. Assalamu alaikum, kaise ho sab? मेरे साथ है राना साहब, मेरे कज़न, और आज हम सैर करने जा रहे हैं अपने सुरनकोट की। सुरनकोट का व्यू आपको दिखाएंगे टॉप से, कैसा है हमारा सुरनकोट, और आगे की कुछ और वीडियोज़ भी जैसे जैसे बनती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। आई होप आपको अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच। आपने कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है। कहना कुछ आपने? आगे चलते कहना है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। कम से कम 10-15 मिनट और लगेंगे ऊपर जाने में, तो इससे पहले कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि भूख लगती है यार। घर में कुछ खाया ही, एक्साइटमेंट में निकल के आ गए घर से, और अभी कुछ खाए नहीं, तो हमने कुछ फुलके लाए हैं, तो वो मेरा कज़न, हम कुछ खा लेते हैं। आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने लाई ये चीज़, एक कर दे। हम निकले थे तो हमने कुछ लाया नहीं खाने के लिए, हमने लाए हैं जनता भूखे लाए। मजा आया। पकड़ चौथा अच्छे से रोल करेंगे, फिर यहाँ से कुछ और ऊपर जाना, 10 मिनट लगेंगे और, तो इसको हम खाएंगे। हेलो, बात भी कर लेना कुछ है ना। और ये मेरी जान, खाली अभी जल्दी इसको भी रेस्ट दे देते हैं, ठीक है। बहुत साल नहीं चलता ना, अभी थोड़ी देर में कुछ 10 मिनट के बाद हम ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे सुरनकोट का, कि कैसा है हमारा सुरनकोट, काफ़ी खूबसूरत है, और आपको भी अच्छा लगेगा देखकर। और ज़रूर ज़रूर आप आना, यहाँ विज़िट करना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और फाइनली गाइस, हम यहाँ पर टॉप पे पहुँच चुके हैं, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप नीचे देख सकते हो, ये है सुरनकोट सिटी, ये पूरे जितना भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये खास बात ये है कि देख लो, बीच में प्लेन है, पूरी सिटी है, और ऊपर देख लो ये पहाड़, और ये है पीर पंजाल रेंज है यहाँ पर, यहाँ से ये कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश के आगे नेपाल, नेपाल भी है, नेपाल आगे वहाँ से और आगे, तो यहाँ पर ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत ये वैली है, सुरनकोट वैली। और प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और यहाँ पर रास्ते में हमें मिलते हैं फैज़ान। फैज़ान थोड़ा आप मास्क उतार दो। फैज़ान कुछ बताओ, ये कौन सी कैसी जगह है? बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आना चाहिए सबको। हाँ, आना चाहिए।
आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत उनकोट वैली बहुत अच्छी है। हाँ ये चीड़ देख लो कितनी खूबसूरत चीड़ है। यहाँ पर चीड़ों के पेड़ बहुत हाँ चीड़ के पेड़ काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वो सामने ये है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV हमारा स्कूल यहाँ पर सुनकोट में और यहाँ पर ही मैं पढ़ा हूँ। तो ये स्कूल है मेरा ही। तो चलो स्कूल का भी देखते हैं, अंदर जाएंगे थोड़ा सा घूमेंगे। और ये रही हमारी सुरनकोट वैली जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको अपना घर बता देता हूँ कहाँ पर मेरा घर। मेरा घर मैं गुजूम करता हूँ यहाँ से जो ये जो क्या ये जो ये वाला रहा था ये चीड़ का बस इसी के पीछे इस तरफ है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि काफ़ी घने घने घर हैं तो इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। बस और पास जाएंगे अगर वहाँ से अगर हुआ तो ये यहाँ पर देख लो बिल्कुल माउंटेन वहाँ हमारा ग्राउंड है वहाँ बीच में ये आगे पूरा इसीलिए नहीं है ग्राउंड है पूरा। खास बात यह है इस वैली की कि ये देख सकते हो आप यहाँ पर एक तो ये सिटी है और सिटी के आगे ही दरिया है। ये जो आगे बिल्डिंग आप वाइट देख रहे हो ये जूम करो यहाँ पर ये वाली ये वाइट बिल्डिंग है और इसके साथ ये दरिया है ब्रिज है यहाँ पर बहुत खूबसूरत। और ये नाइट का भी व्यू आपको दिखाएंगे किसी दिन आएंगे तो उस वक्त और ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरे चीड़ के पेड़ हैं दरख्त हैं और यहाँ ये वैली है हमारी सुरनकोट वैली ग्राउंड है साथ में पूरा दरिया है। फिर आगे देख लो ये पहाड़ी मतलब पहाड़ों के बीच में एक वैली है चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में ये खूबसूरत सी वैली है सुरनकोट। और वो स्कूल जो मैं फिर से दिखा रहा हूँ JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये सामने से देख रहे हो आधी बिल्डिंग दिख रही है ये वाली बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत अच्छी यादें हैं। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग बनाऊँगा वो कोशिश करूँगा JNV की इसके बारे में बताऊँगा कैसा ये गुजरा और बाकी सबकी मेमोरीज होती हैं स्कूल में कॉलेज में सबकी होती हैं। और थैंक यू सो मच अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो बता देना। यहाँ पर हम एंड करते हैं सुरनकोट ब्लॉग का। ये पूरी वैली है ये देख सकते हो आप खूबसूरत वैली। तो यहाँ पर एक बात है सड़क बहुत अच्छी है यहाँ की हाईवे है ये कनेक्ट करती है यहाँ से जम्मू है 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर तकरीबन हमें लगते हैं 6 से 7 घंटे यहाँ से लगते हैं। और जो ये पीर गली से हम कश्मीर जैसे श्रीनगर हमें जाना हो या अनंतनाग कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो यहाँ से हमें श्रीनगर और अनंतनाग जो पास है तकरीबन 100 किलोमीटर है यहाँ से तो वहाँ पर हम जल्दी पहुँच जाते हैं पीर गली वाया पीर गली। ओके अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल और लाइक कर देना और फिर से ओके फैसन जरूर करना। Okay, thank you so much. तो गाइस ये मैं बता रहा हूँ आपको ये है JNV हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जूम करके बताता हूँ यहाँ पर और स्कूलिंग वगैरह यहाँ पर हुई है मेरे यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं क्योंकि हम यहाँ पर हॉस्टल में ही रुकते थे घर कभी महीने में एक बार जाते थे। तो ये पूरे ये बिल्डिंग एरिया ये उन्हीं का नवोदय का। और आज चलो सबको क्या अभी घर जाने वाला हूँ काफ़ी टाइम हो गया सुबह से आए हुए हैं अभी 5 बजने वाले हैं तो लेट हो गए तो फिर से ब्लॉग स्पेशल JNV के लिए बनाएंगे। ओके थैंक यू। Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight.